जम्मू एंड कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 1043 कैजुअल लेबरर्स लगाए नवंबर 2016 तक। क्या की ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि ना ही ये देखा गया कि किन वर्कर्स की ज़रूरत है, ना ही ये देखा गया कि क्या उनके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं, क्या उतनी ज़रूरत है लेबरर्स की। अपनी मनमर्जी करते हुए लेबरर्स को लगाया गया और यहाँ पर भी ग्लेयरिंग डिस्पैरिटीज दिखी जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के बीच में। ये देखा गया कि जहाँ पर कश्मीर प्रोविंस में 886 कैजुअल वर्कर्स को लगाया गया, वहीं जम्मू प्रोविंस में 157 कैजुअल लेबरर्स को लगाया गया। जब रेशो को देखा गया, ये देखा गया कि श्रीनगर के यूनिट 2 में 100 से ज़्यादा कैजुअल लेबरर्स लगाए गए और यूनिट 10 एट कुपवाड़ा में इनको मिलाकर, यानी कि कश्मीर के तीन यूनिट्स, यूनिट 2 श्रीनगर, यूनिट 10 कुपवाड़ा और यूनिट 12 पुलवामा में 100 से ज़्यादा कैजुअल लेबरर्स को लगाया गया, जबकि जम्मू में टोटल 8 यूनिट्स में केवल 10 कैजुअल लेबरर्स को लगाया गया। कंपनी ने ना ही कोई रीजनेबल बेसिस को फॉलो किया, ना ही ये देखा कि कहाँ पर काम ज़्यादा है, ना ही ये देखा कि किन जगहों पर ज़्यादा ज़रूरत है कैजुअल लेबरर्स की, अपनी मनमर्जी की और लेबरर्स को लगाते गए। मैनेजमेंट से जब पूछा गया कि आपने किस बेसिस पर इन कैजुअल लेबरर्स को लगाया है, तो जवाब सुनकर आप भी हैरान होंगे। ये कहा गया कि जो प्रोजेक्ट्स हैं 364 कश्मीर प्रोविंस में थे, 186 जम्मू प्रोविंस में थे 2012 से लेकर 2017 तक। इसी को ध्यान में रखते हुए लेबरर्स जो हैं वो ज़्यादा कश्मीर प्रोविंस में लगाए गए, ज़्यादा कम जम्मू प्रोविंस में लगाए गए। बात रीजनल बायस की नहीं है, बात यह है कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट भी ये कहती है कि जब प्रोजेक्ट्स की रेशो 1:2 है, यानी कि जितने प्रोजेक्ट्स जम्मू में उस समय चल रहे थे उससे दुगने प्रोजेक्ट्स कश्मीर में चल रहे थे, तो कैजुअल लेबरर्स की रेशो 1:5.6 क्यों है, यानी कि 5 गुना ज़्यादा लेबरर्स कश्मीर में क्यों लगाए गए, कैजुअल लेबरर्स लगाए गए। कैजुअल लेबरर्स इसलिए भी लगाए गए क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से लेकर जब तक के कैग की ऑडिट हुई, तब तक जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई थी, कोई भी प्रमोशन पॉलिसी नहीं बनाई थी, अपनी मनमर्जी करते हुए स्टाफ को एम्प्लॉय किया गया। अब जिन स्टाफ को एम्प्लॉय किया भी गया, उन्होंने क्या काम किया, इस पर भी कैग की ऑडिट रिपोर्ट जो बातें बताती है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये कहा गया कि जिन जगहों पर टेक्निकल और रैशनल असेसमेंट के बेसिस पर स्टाफ की ज़रूरत ज़्यादा थी वहाँ पर कम लोगों को भेजा गया, जहाँ पर ज़रूरत कम थी वहाँ पर ज़्यादा लोगों को लगाया गया, जिससे ओवरबर्डनिंग हुई और कॉस्ट भी जो है वो एस्केलेट हुई। उसके अलावा देखा नहीं गया कि किन जगहों पर किन कितने लोगों की ज़रूरत है, नहीं देखा गया कि टेक्निकल और रैशनल असेसमेंट क्या है, टेक्निकल ज़रूरतें कितनी हैं, नॉन टेक्निकल स्टाफ कितना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे जो है लोगों को लगाते गए। साथ ही में ये कहा गया कि जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने कितना काम किया। किश्तवाड़ में ये देखा गया कि हाईएस्ट एम्प्लॉय वैल्यू ऑफ वर्क थी 5 सालों में, 5.15 करोड़ कठुआ के यूनिट, किश्तवाड़ के यूनिट में काम हुआ। वहीं कठुआ में 0.63 करोड़, जो कि लोएस्ट जम्मू प्रोविंस में देखा गया, उतना काम जो है एम्प्लॉयज़ ने किया जिन्हें कठुआ में भेजा गया था। वहीं अगर कश्मीर प्रोविंस की बात की जाए, यूनिट 2 जो था श्रीनगर में, वहाँ पर हाईएस्ट काम एम्प्लॉयज़ ने किया 2.91 करोड़ का, और वहीं जो यूनिट 12 था पुलवामा का, वहाँ पर केवल 1.42 करोड़ का काम किया गया। यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जिन लोगों को कैजुअल लेबरर्स लगाया गया, बिना सोचे समझे लगाया गया, बिना कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी हुए कंपनी लोगों को लगाती गई, किस बेसिस पर लगाई, और वो लोग किस तरीके से दरबदर किए गए, उनसे मौका छीना गया कि वो कहीं और अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढते, उन्हें कैजुअल लेबरर लगा दिया गया, जहां पर ज़रूरत कम थी वहां ज़्यादा लोगों को लगाया गया, और इस सारा कुछ जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, टैक्स पेयर्स की पैसों की बर्बादी की जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। सवाल है JKPCCL से कि ये सब आपने अगर किया है तो आखिर ACB आप ये जांच क्यों नहीं कर रही कि आपने कितनी तबाही इन सालों में जम्मू कश्मीर में की है।